खटी दाढ़ी नबी की बारगाह में या रसूल अल्लाह बहुत मुश्किल में बहुत परेशानी में इख्तलाजे कल्ब बढ़ रहा है, हार्ट में पल्पिटेशन तेज है, मेरी धड़कनें बढ़ रही है, आप क्या हुआ सहाबी बताओ। तो या रसूल अल्लाह मेरा निकाह बड़ी खूबसूरत खातून से हुआ, हमें अल्लाह ने बेटा दिया खूबसूरत हसीन एकदम हमारी तरह। फिर कुछ दिन हुए मेरी बीवी को दूसरा बेटा हुआ काला कलूटा एकदम दूसरे रंग का, मैं मेरी बीवी खूबसूरत, मेरा पहला बेटा खूबसूरत, मेरा दूसरा बेटा काला कलूटा सियाह रंग का। मैं ताजिर आदमी तिजारत के लिए इधर उधर जाता हूँ, सफर करता हूँ, लंबे लंबे अस्पताल से घर आता हूँ। जब वो बच्चा बड़ा हुआ सरकार में मदीने की गलियों में निकलने लगा, लोगों ने देखा, देखने के बाद उसको ताना देना शुरू किया कि तेरी बीवी नेक नहीं है, तेरी बीवी ईमानदार नहीं है, इसलिए कि उसने तेरे साथ अमानत में खयानत की है, इसलिए ये बच्चा काला कलूटा है, तेरा नहीं हो सकता, तू गोरा, तेरी बीवी गोरी, तू खूबसूरत, तेरी बीवी खूबसूरत, तू हसीन, तेरी बीवी हसीना, अब बता कैसे तेरा बेटा होगा, पहला बेटा तेरा है, दूसरा अमानत में खयानत हुई। या रसूल अल्लाह मैं आपके पास आया, आप बताइए बच्चा मेरा है या नहीं। मैं कहूंगा सहाबी क्या कर रहे हो, जाइए ट्रेनें टेस्ट करवाइए जल्दी से कलकत्ता में, और छह छह एमएल खून दीजिए मियां बीवी तो पता चलेगा बच्चा किसका है। सहाबी मुस्कुरा देगा वो जानता नहीं और वो इन घर क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही की बात तुमसे करूंगा। उनकी कदमों की नालियों पे हमारी जानें कुर्बान हो, वो सहाबा अकीदा दे रहे हैं जो कोई नहीं जानता, वो मदीने के ताजदार जानता। दूसरा खड़ा हुआ मुनाफिक था, खड़े होकर लगा सरकार ये बताइए कि मेरा बाप कौन, बुखारी में है उसका यह अकीदा था कि सरकार गायब नहीं जानते। अब समझे किन लोगों का अकीदा है कि सरकार गायब नहीं जानते। या रसूल अल्लाह मेरा बाप को नबी आलम जलाल ने कहा बैठ जा बता दूंगा तो रुसवाई उठानी पड़ेगी, जलील हो जाए। मैं कहूं सरकार आप बताएं ना बताएं, हम तो समझ गए कि था जलील वो है जो बैठ के खबरें बताते। सहाबी से लिया सरकार आप फैसला कीजिए। नबी ने कहा घर जा बीवी बच्चे लेके आ। सहाबी घर गए बीवी दोनों बच्चों को ले आए सरकार के पास आके सामने बैठ गए, दोनों बच्चे सामने बैठे, बीवी जहां औरतों का मकाम बनाए वहां बैठी है। थोड़ी देर गुजर गई, थोड़ा लम्हा थोड़ा वक्त गुजरा, रसूलुल्लाह को खड़े होकर सहाबी सरकार फैसला, दोनों बच्चे बीवी पीछे दिल की धड़कन बढ़ गई, मोहल्ले वाले सब उन्हें ताना देते हैं, सरकार कर्म कीजिए। हुजूर मुस्कुराए, किताब का नाम खजीनतुस सादात, ना मिले तो मैं आपको उसका स्कैन पेज फोटो कॉपी भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा, दिल को यकीन हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी। इसलिए कि मैं अपनी बात करूं तो लोग मान जाए, पीर की बात करूं तो लोग मान जाए, अहले बैत की बात करूं तो लोगों को मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले कहते हैं हवाला लाओ, अच्छी बात है हवाला मानना, अच्छी बात है मानिए, हम इंशाल्लाह हवाला जरूर देंगे, जरा सुनिएगा और कीजिएगा। खजीनतुस सादात नाम है किताब का। सहाबी जल्दी गए लेकर के सबको आए का सरकार फैसला कीजिए। हुजूर मुस्कुराए सलमान फारसी, सलमान या रसूल मेरे घर जाओ, मेरे हसन हुसैन को बुलाते रहो। सलमान फारसी उठे, देखिए मैं तेजी से बढ़ रहा हूँ इसलिए कि मैं आपको उस शेर पे छोड़ के आया हूँ, माँ हुसैन की मजहब तो है, मैं वहां से हटा नहीं, मैं वहीं पे हूँ। बात आगे निकल गई कि आली के नारे पे कुछ लोगों ने हाथ उठाया कुछ ने नहीं उठाया, तो मैं इतना बता दूं कि अली का नाम आए तो हाथ उठाया करो, बात समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ जाएगी। अजीजाने मोहतरम बड़ी तेजी के साथ मैं आपके जहनों की दहलीज पे दस्तक होते हुए दस्तक देते हुए गुजर जाऊंगा। आप मेरा ख्याल रखिएगा, सुबह लगना था मैं ख्याल रखूंगा आपके जज्बात का, आपके जज्बे का, आपकी गिजा का, आपके मशरूफ का, कि आपको चिश्ती है ना, तो चिश्तियों को बगैर जिक्र अली अच्छा नहीं लगता। मन तुम तो मौला शुरुआत होती है, इब्तिदा होती है, मन मन तो मौला ही कौल कौवाली कौल है जी। अब वो क्या है कि
कहते हैं दलदली देने की यहाँ पे न हाजत न जरूरत न वक्त, इसलिए कि वैसे ही बड़ी तेजी के साथ सब गुजर रहा है। मौका मिलेगा और नहीं भी मिले तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, मेरी तस्वीर मिल जाएगी। दलाई के साथ मैंने साबित किया है कि कव्वाली सुनिए सुनाइए दबल किसी से दबिए, इसलिए कि कव्वाली सुनने वाले जन्नत में जाएंगे, निजामुद्दीन औलिया जन्नत में जाएंगे, नसीरुद्दीन महमूद चराग दहलवी जन्नत में जाएंगे, पीर नसीरुद्दीन नसीर सरकार सरकारे बोलरा सरकारे सरकारा ने मरहरा सरकारा ने कि छोसा अली हुसैन नशरती मियां सरकारे कला ये सब जन्नत में जाएंगे। किसी किसी हम चले जाएंगे तो हराने की जरूरत नहीं। बस मेरे साथ कहीं ना चलिए नबी ने कहा सलमान कौन रसूल का साहबी है, कभी ईमान लाए 250 साल की उम्र थी तो ईमान लाए रसूल में आपका हुआ कई मजाहब इख्तियार